जब से बीजेपी को लगा सपा बसपा एक हो रहे हैं, एक दलित का चेहरा मायावती, मुसलमानों के चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव, ये दो गठबंधन बन रहे हैं, तो कैसे इसमें दरार डाली जाए? कैसे दरार डालो और शासन करो? तो बीजेपी ले आई एबीओ और जामिया को और आपस में लड़वा दो इन दोनों कम्युनिटीज को और अपने वोट सेक लो, अपनी सीटें बचा लो। क्या ये इल्जाम गलत है आपकी पार्टी पर? उमित जी, मैं इस इल्जाम का बिल्कुल तथ्यात्मक जवाब देता हूं। मुद्रा योजना कब आई थी? 2015 में। और क्या नियम बनाया गया कि हर बैंक की हर शाखा को अनिवार्य रूप से एक एससी, एक एसटी और एक महिला को लोन देना जरूरी है छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए? क्या उस जमाने में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था क्या? यानी हमने यह तय किया कि देश के संसाधनों पर पहला हक होगा तो वंचितों का, शोषितों का, दलितों का। दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स आपने हमारी सरकार आने के बाद सुना, दलित वेंचर कैपिटल में 136 करोड़ रुपए तक के लोन व्यवसायियों को दिए जा चुके हैं। ये 2016 और 17 का मैं आंकड़ा बोल रहा हूँ। ठीक है, आपने अपने टर्न पे बोली मसीहा जो भाई, ये क्या करने का बार बार अपने अपने टर्न पे बोलिए, बेहतर रहता है। दलितों की स्वयंभू मसीहा मायावती जी ने कितने दलित कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट खड़े किए, कितने दलितों को रोजगार दिया, मुझे जवाब चाहिए। 136 करोड़ से ऊपर की तो मूर्तियां खड़ी कर दी, वो भी सिर्फ अपनी और समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र नावेद सिद्दीकी जी को। आपकी सरकार ने आके रिजर्वेशन इन प्रमोशन समाप्त किया। एक मिनट, मुझे पूरी बात करने दीजिए। रिजर्वेशन इन प्रमोशन समाप्त किया और आप कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अरे भाई, अब ये क्या तरीका है आशीष जरारिया जी? आशीष, आपसे एक सवाल पूछा था, परेशान हो गए भाई। उनको परेशान कर रहे थे, ठीक था। अब आप परेशान हो रहे हैं तो आप पीछे बोलेंगे, एक एक करके बात करेंगे। आरक्षण पे जवाब दे रहा हूँ और चुनौती के साथ जवाब दे रहा हूँ देवाशीष जी और समाजवादी पार्टी दोनों को। सुमित जी, इनको चुप कराइए। ऐसे क्या, ऐसे ही मैं देर में आया हूँ? और भी आप पिछली बार भी आप बोलने लगे, इस समय भी आप बीच में बोलने लगे। अपना अपना टर्न पे बोलिए, अब मैं जवाब देता हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी से मैं पूछता हूँ, रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म किया था कि नहीं? बोलिए, शेड्यूल कास्ट के लिए समाजवादी पार्टी ने खत्म किया? कितने दलित अधिकारी बनाए थे? एमवाई कॉम्बिनेशन की बात करते थे, वाई के अलावा कोई था तो बता दीजिए। और मैं ये बात पूछना चाहता हूँ देवाशीष जरारिया जी से कि बहुजन समाज पार्टी आई थी तो उस जमाने में बसपा में सबसे शक्तिशाली पद होता था डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के 70 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सिर्फ दलित नहीं थे, सिर्फ